बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। तैयब उर्दुगान के लिए सबसे कड़ा वक्त उनकी पूरी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा कड़ा वक्त नहीं आया जो अब आया है, और अब शायद वो फैसला करने जा रहे हैं कि उन्होंने मुसलमानों के साथ मिलकर फ़लस्तीन में फौजें उतारनी है या नहीं। उसका एक सिंबल उन्होंने आज पेश किया है। ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, ये आया सूफिया के इमाम है। ये इस तस्वीर को पहले आप गौर से देखिए। ये जो तस्वीर है इसको आप गौर से देखिए। लेफ्ट साइड पर आपको जो नज़र आ रहा है वो लम्हा है कि जब आया सूफिया में मुसलमानों ने, जब अर्दुगान ने इसको दोबारा टेक ओवर किया था, तो वहाँ पर जुमा का जो खुतबा था उसके बाद इमाम साहब ने तलवार को पकड़ी और वो तलवार नियाम में थी। अब आप ये देखिए कि सूरत हाल ये है कि फ़लस्तीन का मसला या कुछ अर्से से जो भी मसला, जो भी सूरत हाल चल रही है, अब इमाम साहब ने जो तलवार है वो नंगी पकड़ ली है, यानी उन्होंने नियाम से निकाल ली है। और इसका मतलब समझिए, ये बड़ा हिस्ट्री में क्या होता है। ये मतलब ये होता था कि आज से कुछ साल पहले जब ये यहाँ पर तलवारों का सिलसिला था और जब लड़ने का वक्त होता था, एक फतवा जारी होता था और सारे मुसलमानों को कहा जाता था अब लड़ाई का वक्त है, तो उस वक्त आप देखिए कि जो मिंबर पर खड़े होते थे वो उस वक्त आप देखिए कि जर्नैल होते थे, सिपा सलार होते थे, अमीरुल मोमिनीन भी होते थे, और उसके बाद भी जितने हुक्मरान आए हैं वो असल में इमाम हुआ करते थे, यानी वो नमाज भी पढ़ाते थे, खुतबा भी देते थे। तो मिंबर पर खड़े होकर उनके हाथ में जब तलवारें होती थी वो निकाल लेते थे, तो इसका ये मतलब होता था कि अब लड़ाई का वक्त आ गया है, तो अब लड़ने के लिए तैयार है। अब इमाम साहब ने क्या किया है, और ये तैयब उर्दुगान की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता, ये समझिए। इमाम साहब ने तलवार को निकाला हुआ है और तलवार को उन्होंने सामने रखा है, यानी उन्होंने अब इस तलवार का सिंबॉलिक मतलब ये है कि अब लड़ाई का वक्त है और अब हमें लड़ना होगा तमाम मुसलमानों को। और जो खुतबा उन्होंने दिया है उसमें वो बताते रहे हैं कि किस तरह सलीबी जंगें हुई थी, यहूदियों ने क्या लड़ाई की थी मुसलमानों के साथ, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का बताया उन्होंने, तमाम चीज़ें जो थी, मतलब उन्होंने एक रेफरेंस दिया उसका कि क्या हमारी इनके साथ लड़ाई थी, और अब वो बता रहे हैं कि किस तरह की वो लड़ाई दोबारा शुरू होने वाली। अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि तलवार उन्होंने निकाल ली है, तो तलवार निकालने का मतलब ये है कि अब वक्त आ गया है लड़ाई का, और ये इशारा है। असल में हुआ ये है कि तैयब उर्दुगान को नेटो की जानिब से बहुत ज्यादा शिद्दत का सामना है। यूरोपीय यूनियन ने तैयब उर्दुगान को कहा है कि आप फैसला कर ले कि आप फलस्तीन के साथ खड़े हैं या फिर आप यूरोप के साथ खड़े हैं, ताकि हम आपको नेटो से निकालें। देखिए, तुर्की नेटो का जब हिस्सा बना था तो इसलिए बना था कि कल को मुझ पर कोई हमला करेगा तो ये सारे ममालिक आ जाएंगे, लेकिन उन्होंने जिसके साथ हाथ मिलाया है वही ऑलरेडी सारी दुनिया पर हमले कर रहे हैं। अब अर्दुगान के लिए बड़ा मुश्किल टाइम है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि तैयब अर्दुगान अगर यहाँ पर जाते हैं नेटो के साथ, क्योंकि अभी बस किसी भी वक्त ऑपरेशन शुरू हो जाना है, जब ऑपरेशन शुरू होगा अमेरिका कूदेगा, अमेरिका जब आएगा तो नेटो आएगा, तो अर्दुगान के लिए मामला ये होगा। ये भी पॉसिबिलिटी है कि देखिए गल्फ कंट्री से अमेरिका को अड्डे ना मिले, वो तुर्की को कहे तुम अड्डे दो, क्योंकि वो नेटो का रुकन है, आर्टिकल 5 के तहत आपको करना पड़ेगा सारा कुछ काम। तो अगर वहाँ तैयब अर्दुगान ने फलस्तीन के खिलाफ अमरीका की मदद की, तो फिर आप ये सोचिए कि अर्दुगान का जो सारे का सारा नैरेटिव है, अर्दुगान के खिलाफ क्या मामला होगा। उम्मत मुस्लिमा के अंदर वो एक लीडर के तौर पर जाने जाते हैं, जो उनके साथ जो सूरत हाल होगी वो आप सब जानते हैं, यहाँ बताने की जरूरत नहीं, लोग कितना उनके खिलाफ हो जाएंगे, उनके अपने लोग, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जब फलस्तीन को जरूरत पड़ेगी, मस्जिद अक्सा को पड़ेगी, हमारी फोर्सेज रेडी होगी, हम पूरी तरह जाएंगे और मस्जिद अक्सा को बचाएंगे और ये करेंगे वो करेंगे। अब लोगों ने कहा कि भाई गली बाती बहुत हो गई है, बातें बहुत कर ली हैं, अब आप बताएं, टॉक्स बहुत कर ली हैं, नारे बड़े मार लिए हैं, अब अमली तौर पर बताएं कि आप क्या करें। ये पहला स्टेप है कि तलवार नियाम से निकल गई है, तो इसका ये मतलब है कि अब लड़ाई का आगाज होना है। अर्दुगान ने यहाँ पर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त कहीं ना कहीं मामलात वो रखे अमेरिका के साथ भी रहे वो, लेकिन ये जो सूरत हाल चल रही है ये पोजीशन लेने वाला वक्त है। यहाँ ये नहीं हो सकता कि विकेट के दोनों जानिब आप खेलते रहे, या तो आप हक के साथ खड़े हैं या आप बातिल के साथ खड़े हैं, ये आप बीच वाला रास्ता भूल जाइए। तो हदीस शरीफ में मेंशन है, ज़माना आखिरत में सिर्फ दो जमातें रह जाएगी, हक और बातिल, या आप हक के साथ खड़े होंगे या बातिल के साथ, ये होम्योपैथिक बयान नहीं चलेंगे, या विकेट के दोनों जानिब नहीं, मैं उधर भी हूँ, मैं उधर भी उधर भी। आपने गौर नहीं किया,
जहां जहां आपकी नजर पड़े आपको सारे पर्दे हटते नजर आ रहे, कहीं पर भी आपको पर्दे हटते नजर आ रहा, आपको क्लियर होता जा रहा है। अब यहां पर तैयब अर्दोगान का इम्तिहान है बहुत बड़ा कि भाईजान आपने उम्मत मुस्लिमा का जो चूरन बेचा था क्या वो सही था, या अब आप वहां पर आकर जब अमली तौर पर इकदाम का वक्त है तो आप कुछ नहीं करें। आप ये देखिए ना कि हमास ने ये जो वीडियो जारी की है ये तो उसने इसराइल की नींदें उड़ा दी हैं, और इस वीडियो के अंदर क्या है, उन्होंने ड्रोन्स उड़ाए हैं, और ये ड्रोन्स उन्होंने कहा है कि जैसे ही इसराइल की फोर्सेस गजा के अंदर आएंगी उनके टैंक्स पर, उनके फौजियों पर, उनकी सारी जितनी मिलिट्री की इक्विपमेंट्स चीजें हैं उन सब के ऊपर ये हमले होना शुरू हो जाएंगे। और जब ये हमले होंगे तो उन्होंने कहा कि हम उनका जो इस्तकबाल करेंगे, इसराइल को पता चल जाएगा कि वो किस ताकत के साथ टकराया था, और जो उनका हाल होगा वो सारी दुनिया देखे। उन्होंने अभी चीजें रिलीज करना शुरू कर दी, और उन्होंने बताया कि हमारी पावर देखो कि हमारे पास किस लेवल की टेक्नोलॉजी है कि हम आपका क्या हाल करेंगे। दूसरे नंबर पर आप ये देखें कि ये मनाजिर देखिए, ये पूरी दुनिया के अंदर, यानी ये बेसिकली न्यू यॉर्क के मनाजिर है, फलस्तीन के हक में एहतजाज हो रहा है, यानी आप अंदाजा कर सकते हैं कि फलस्तीन के हक में ये एहतजाज हो रहा है। तो अगर वहां पर हो रहा है तो अर्दोगान को तो पोजीशन लेना पड़ेगी। अर्दोगान ये तो नहीं कर सकते कि नेटो के साथ भी रहेंगे उधर भी रहेंगे, या आप नेटो के साथ होंगे या फलस्तीन के साथ होंगे, तीसरी बात ही कोई नहीं है। और ये बात आप जहन में रखिएगा, वहां पर इंटरनेशनल मीडिया में चले वो फलस्तीन का जिक्र नहीं करते, वो आपको कहते हैं आप इसराइल के साथ है या हमास के साथ है। ये उनकी चलाकी देखिए, वर्ड्स को उन्होंने क्या यूज किया, असल में बात ये होनी चाहिए आप फलस्तीन के साथ है या इसराइल के साथ है। अब आप देखिए तुर्की ने तस्लीम किया हुआ इसराइल को, भैया आपने तस्लीम किया तो अब आप बताइए ना कि आप फलस्तीन के साथ है तो अमली तौर पर खड़े हो, ये नहीं कि आपकी फोर्स हो, जब तुर्की जाएगा तो मुसलमानों की बाकी फोर्स भी जाएगी, फिर उनको भी जाना पड़ेगा चाहे किसी का दिल हो या ना हो, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त 57 इस्लामिक मुल्क सिर्फ तमाशा देख रहे हैं कि यार अच्छा ठीक है जाना जूना नहीं है हमने फलाना कर, हमास उधर तैयारी कर। अब उन्होंने साथ एक और क्या काम किया, जो बाइडन ने कहा कि इन्होंने जो अमरीकी पकड़े थे वो उन्होंने मार दिए, हमास ने वीडियो जारी किया और इसमें उन्होंने माँ और बेटी को रिलीज कर दिया, और वो अमेरिकन है, देखिए वो इसराइली होते हैं, इनके पास जो नेशनलिटी होती है वो अमेरिकन है, और उनको रिलीज कर दिया क्योंकि बाइडन ने कहा था हम इसकी आड़ के अंदर हमास के ऊपर हमला करेंगे, ऑपरेशन करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, उन्होंने वीडियो रिलीज करके उनको रिहा कर दिया। अब दुनिया के अंदर सोशल मीडिया पर ये तूफान मचा है कि अमेरिका कर क्या रहा है। आप ये देखें ना, पहले वो यूक्रेन में घुसा, अब यूक्रेन के अंदर उन्होंने ये सारा मिसाइल सिस्टम जो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है ये मिसाइल सिस्टम उन्हें यूक्रेन को दिया है, और रशिया ने ये वार्न कर दिया है कि ये एंडलेस वॉर होने जा रही है। एंडलेस का मतलब है ना खत्म होने वाली जंग, किसके ऊपर, यूरोप के ऊपर, ये समझिए बात। उसने कहा कि तुमने ये जो मिसाइल दे दिए हैं अब, तो इसका ये मतलब है कि अब तुमने लड़ाई को अगले लेवल पर ले गए हो, क्योंकि ये सारे रशिया को इंगेज करना चाह रहे हैं कि वो उधर ना पहुंचे। तो उसने कहा कि अब ये जो वॉर है, ये लड़ाई है, ये यूरोप के कोने कोने में जाने वाली है, और यूरोप ऑलरेडी फंसा हुआ है, उनको ये समझ नहीं आ रही कि अमरीका का तो कुछ नहीं गया, हमारा तो बेड़ा गर्क हो गया है, हमारी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो गया, हम रूस को हरा नहीं पाए, मामला हमारे कंट्रोल से बाहर चले गए। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर उनको परेशानी ये लाहक हो गई है कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमने पोजीशन जो ली हुई थी हम कहाँ पर खड़े हैं, हम किस लेवल पर खड़े हैं। आप अंदाज़ा कीजिए इस शख्स को जो रशिया का जर्नैल है उसको वैगनर जो ग्रुप था उसके जो सरबराह को मार दिया गया या वो मर गया जहाज के अंदर जो भी है, उसकी जगह पर रशिया ने अपने जर्नैल को लगा दी। अब क्या हुआ, ये वो वैगनर ग्रुप है जिसको वो शाम में भेज सकते हैं, जिसको वो यूरोप में भेज देंगे, भी यूक्रेन के अंदर अभी लड़ रहा है, और इसके जर्नैल ने बगावत की थी तो उसको रास्ते से हटा दिया गया था, ये अब जाकर शाम में फलस्तीन में हर जगह पर लड़ सकता है। अब प्यूटिन की जो पोजीशन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई है, और यहाँ पर अर्दोगान ने इस वक्त स्टेप लेना है कि भाई साहब आप कहाँ पर खड़े हैं, आप मुसलमानों के साथ खड़े हैं या आप उनके साथ खड़े हैं। आपका इमाम खड़े होकर ये दास्तानें सुनाता है कि सलीबी जंगें ये थी वो थी, मुसलमानों ने यहूदियों से लड़ाई की थी, हमने ये किया था वो किया था, भाई आपने बताया आपने करना क्या है। ये कहते ना कि हम वो इसराइल की मजम्मत करते हो, भाई मजम्मतें छोड़ दें, मजम्मतों वाला दौर ख़त्म हो गया, प्रैक्टिकल बताएं, एयरफोर्स जा रही है, आपकी फौज जा रही है, मुसलमानों की फोर्स जा रही है, मुसलमानों की एयरफोर्स जा रही है, मुसलमानों की इंटेलिजेंस काम कर रही है, उनकी ग्राउंड फोर्सेस जा रही हैं,
क्योंकि आप ये देखें कि हदीस में क्लियरली मेंशन है कि ये कुस्तन दुनिया दोबारा फतह होना ही होना, और फतह इस चीज़ ये वो पुराना नहीं है, उसको आप रिलेट करें तो बैतुल मुकद्दस की आबादी जो है वो अब हुई है, उसके साथ इस हदीस को रिलेट करें। कुस्तन दुनिया फतह होना है, फतह वो चीज़ होती है जो कब्जे में आ जाए, और कुस्तन दुनिया जो है वो यानी आप जानते हैं तुर्की अब इस सूरत हाल के अंदर इस्तंबुल और उसका सारे का सारा मामला पुराना नाम कुस्तन दुनिया ने फतह होना, वो तब फतह होती है कोई चीज़ जब वो कब्जे में चली जाए। यहाँ पर अगर तो तैयब उर्दुगान एक स्टेप लेते हैं और वो नेटो के अंदर नहीं रहे, क्योंकि नेटो ने इनको निकालना है आज नहीं तो कल, क्योंकि या तो फिर आप खड़े होंगे उनके साथ इसराइल के साथ, और यही बाकी मुसलमानों के साथ होने वाला है, ये समझिए। ईरान लड़ाई के लिए तैयार है, आपने देखा नहीं मोहम्मद बिन सलमान ने कितनी अकलमंदी का फैसला किया है, उनका विजन बेहतर है, उन्होंने काम ये किया कि भाई हमने यमन ने नहीं लड़ाई करनी ना ईरान से करनी, वो इसराइल के खिलाफ उन्होंने स्टैंड लिया है, अमेरिका को ओस पड़ गई है कि यार मैंने तो सोचा था ये मेरे साथ खड़े होंगे ईरान के साथ नहीं खड़े होंगे। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर अमेरिका ने तो सोचा कल को मैं जी अड्डे लूंगा फलाना लूंगा, आप सोचिए उन ममालिक के साथ क्या होने वाला है, अभी आपको पता ही नहीं है कि जो पेशन गोइयां पूरी होनी है जो अहले नजर क्या, जिन ममालिक को अमेरिका ने कहना है कि तुम मुझे अड्डे दो, किसके खिलाफ, ईरान के खिलाफ, तो अगर आप अड्डे देते हैं तो आप मरते हैं, तो अगर आप अड्डे नहीं देते तो फिर आप अमेरिका के गजब का निशाना भी बनते हैं, तो क्या आपको फिर स्टैंड लेना होगा अमेरिका के आगे, मोहम्मद बिन सलमान की तरह आपको खड़ा होना पड़ेगा। और ये सूरत हाल इस वक्त बड़ी टफ होने जा रही है, क्योंकि जो लहजा है अमेरिका को मिल रहा है इस खत्ते के अंदर से वो ठीक नहीं है। इवन के मिस्र की सूरत हाल ये है कि सीसी इस वक्त परेशान है और उनको भी समझ नहीं आ रही, उधर महमूद अब्बास को पता है कि भाई मेरी हुकूमत आज नहीं तो कल इन्होंने गिरा देनी है, तो मैं तो स्टैंड लूँ। तो ये जो सूरत हाल इस वक्त सारी पैदा हो रही है, सबके लिए पोजीशन लेने का वक्त है। ये नहीं हो सकता कि आप इसराइल की मुजम्मत भी करें और साथ साथ आप अमेरिका के भी साथ खड़े हो, अगर आप इसराइल की मुजम्मत करेंगे तो फिर आप अमेरिका के खिलाफ भी खड़े होंगे, यही तो तैयब उर्दुगान के साथ होने वाला। नियाम से तलवार तो आपने निकाल ली है, तो आपने सिम्बोलिक तौर पर, क्योंकि ये माजी में रूहानियत के सिलसिले में भी आता था कि आपका एक सिलसिला होता था, अब अगर आपने तलवार निकाल ली है और आपने आया सूफिया ने सिंबॉलिक तौर पर बता दिया है कि भाई ये सारा मामला होने वाला है, तो फिर तैयारी करें, आपको फिर प्रैक्टिकली कूदना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा। असल में एक पोजीशन अब लेनी है, लड़ाई क्या होनी है, लड़ाई ये होनी है जो अगला स्नैरियो बनना है। यहां से सबसे पहले लड़ाई शुरू होगी कि इसराइल ने ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करना है, आज नहीं तो कल उसने कर देना है गजा के अंदर, वहां से फिर उनके खिलाफ लेबनान ईरान प्रॉक्सीज उन्होंने हमला शुरू करना है, उसको कहना है इन्होंने अमेरिका को कि तुम टैकल करो, साथ कहना है नेटो को, तब अर्दुगान का इम्तिहान होगा कि वो कहां खड़े हैं। अगर तो वो अमेरिका का साथ देंगे तो फिर तो समझ रहे हो मुसलमानों के दिलों से उतरेंगे और ये बड़ी नफरत होगी उनके, और अगर वो यहां पर खड़े होते हैं तो फिर सूरत हाल बड़ी डिफरेंट होती है। अब आप ये देखें कि उसके बाद उसने कहना है कि आप ईरान पर हमला करें, इसराइल ने कहना अमेरिका को, तो जब वो ईरान की जानिब जाएंगे तो देन व्हाट नेक्स्ट, क्या होगा फिर, अमेरिका कहेगा कि मुझे अड्डे इस्तेमाल करने ईरान के खिलाफ, फिर जो देगा उसके लिए मुसीबत पड़ेगी। तो ये सबके लिए पोजीशन लेने का वक्त है कि आज आप यहां खड़े हैं, वहां खड़े हैं, इधर खड़े हैं, उधर खड़े हैं, आप बीच में नहीं खड़े हो सकते, ये विकेट के दोनों जानिब वाला सिलसिला नहीं अब रहना कि जी मैं उधर भी खड़ा हूं अमेरिका के साथ भी खड़ा हूं, तो मैं, अगर आप अमेरिका के साथ खड़े हैं तो आप फिर इसराइल के साथ भी खड़े होंगे, आप अगर अमेरिका के खिलाफ खड़े हैं तो आप इसराइल के खिलाफ खड़े होंगे, ये नहीं कि मैं इसराइल के खिलाफ भी खड़ा हूं तो मैं अमेरिका के साथ खड़ा हूं, ये दो चीज़ें अलग होंगी, क्योंकि पोजीशन अब आपने लेनी है। और मिडिल ईस्ट के अंदर तो रशिया और चाइना का बहुत ज़्यादा असर रसूख, कुछ अरसे के बाद आपको देखिएगा हलचल दुनिया में मचती नजर आएगी, वो किंग अब्दुल्ला ने और सीसी ने सही बात की है, उसने कहा गजा के अंदर से जैसे ये लड़ाई निकलनी है उसमें पूरी दुनिया को और खित्ते को लपेट में ले लेना, और हमें इसको यहाँ रोकना है, वो रोक नहीं पाएंगे क्योंकि अमेरिका और इसराइल का प्लान ही कुछ और है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।